हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 10वां बाब 40-52 आया था। फिर वो यरहू में आए और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरहू से निकलता था तो तेमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था और वो ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है चिल्लाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, ये तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रब्बूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बिनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावन और उसके शागिर्द यरदन को पार करके यरहू में आए थे। यहाँ उसकी मुलाकात एक अंधे बर्तिमाई से हुई। उस शख्स को ना सिर्फ एक अशद ज़रूरत थी कि वो अपनी ज़रूरत का शौक रखता था और वो मुसम्मम इरादा रखता था कि ये ज़रूरत पूरी हो। बर्तिमाई ने खुदावन यीशु को पहचान लिया और उसे इब्ने दाऊद कहकर मुखातिब किया। कैसी सितम शरीफी है कि इसराइली कौम तो मसीह मौत की मौजूदगी से अंधी थी, मगर एक अंधा यहूदी हकीकी रूहानी बेनाई रखता था। वो बार बार रहम की दरख्वास्त करता रहा और उसकी दरख्वास्त मंजूर हुई। तब उसने शुक्रगुजारी की। उसकी शुक्रगुजारी उसकी वफादार शागिर्दियत से जाहिर होती है कि वो यरूशलम के आखिरी सफर में उसके पीछे हो लिया। इस बात से यीशु को खुशी और हौसला अफजाई हुई होगी कि जब मैं सलीब की तरफ बढ़ रहा हूँ तो यरहू में इस किस्म का ईमान मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उस दिन बर्तिमाई ने खुदावन को पा लिया, क्योंकि इसके बाद वो कभी वहाँ से ना गुजरा। पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।